जैसा कि आप भी जानते हैं कि अब तक डॉक्टर ने इस बात की कमिटमेंट नहीं दी है कि स्टेज 4 लंग कैंसर से ग्रसित है संजय दत्त, लेकिन हॉस्पिटल के सोर्स ने इस बात की कंफर्मेशन दी है कि लंग कैंसर स्टेज 4 से ग्रसित है संजय दत्त। लेकिन जिस डॉक्टर को संजय दत्त का टेस्ट लेते देखा गया, जिस डॉक्टर ने संजय दत्त का इलाज किया लीलावती हॉस्पिटल में, जिस डॉक्टर ने संजय दत्त को लेकर कंफर्मेशन दी कि उनके लेफ्ट लंग में जहां पर सांस लेने वाले एरिया में ब्लॉकेज की वजह से उन्हें सांस नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल काफ़ी डाउन हो गया था, उस जगह से 1.5 लीटर फ्लूइड निकाला गया, 2 लंग पे पाए गए, तो लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने काफ़ी कुछ कहा। तो वहीं डॉक्टर जलील पार्कर जो सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट है, उन्होंने डॉक्टर होते हुए भी संजय दत्त के कंडीशन पर कमिटमेंट करने से मना किया, कमेंट करने से उन्होंने सीधा इनकार कर दिया। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे अपनी इस रिपोर्ट में, बताना चाहेंगे हम आपको कि संजय दत्त की स्थिति को लेकर उनकी पत्नी ने भी कंफर्म नहीं किया है कि उन्हें लंग कैंसर स्टेज 4 है। लेकिन एक करीबी मीडिया संस्थान से ही खबर आई है कि स्टेज 4 कैंसर से वो ग्रसित है। हॉस्पिटल सोर्सेज ने इस बात की कंफर्मेशन दे दी है। वहीं कहा जा रहा है कि अब संजय दत्त के पास इलाज कराने का सिर्फ एक ही मात्र उपाय है और वो है कैमियोथेरेपी। इसके अलावा कोई उपचार नहीं है लंग कैंसर से राहत पाने का। वहीं आपको बता दें, काम से ब्रेक लेने की कंफर्मेशन तो संजय दत्त ने खुद ही दे दी थी एक लेटर ऑफिशियल जारी करते हुए। डॉक्टर ने पहले तो कहा था ट्यूबरकुलोसिस और कैंसर कुछ भी हो सकता है, लेकिन टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद संजय दत्त को सीधा US रवाना होने के लिए सजेशन दिया जा रहा है। इसके अलावा सिंगापुर में उनके ट्रीटमेंट किया जा सकता है। खैर, इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे इस बीमारी की पीछे की सच्चाई। कैंसर स्टेज 1 से स्टेज 2, स्टेज 2 से स्टेज 3, स्टेज 3 से स्टेज 4 तक पहुंचने से पहले लंग कैंसर के शुरुआती समय में अगर इसका इलाज किया जाता तो बहुत आसानी से इस बीमारी को मात दिया जा सकता है, डॉक्टर और स्पेशलिस्ट का ये कहना है। इसके अगर इस सिम्टम्स की बात की जाए तो इसके सिम्टम्स पर भी अगर नज़रअंदाज किया जाए तो ये बीमारी घातक हो जाती है। स्टेज 4 लंग कैंसर की बात की जाए तो इसमें स्थिति क्या होती है, किस तरह की होती है, आपको बताना चाहेंगे। दरअसल लम्स बनते हैं नेक के और कोलर बोन के किनारे और एब्डोमिनल और बैक में बहुत पेन होता है। यानी कि संजय दत्त ने कहीं ना कहीं ये लापरवाही की, जिसकी वजह से आज उन्हें स्टेज 4 कैंसर में काफ़ी तकलीफ हो रही है। दरअसल नज़रअंदाज करना, एब्डोमिनल और बैक पेन को नज़रअंदाज करना आपके लिए इतना घातक भी हो सकता है, ये सिम्टम्स हैं स्टेज 4 कैंसर के। वीकनेसेस यानी कि कमजोरियाँ, बहुत ज़्यादा वीकनेस, बहुत ज़्यादा कमजोरी इस बीमारी का एक लक्षण है। फैटिक भी इसका लक्षण है और एपेटाइट के लॉस भी इसी का लक्षण माना जाता है। बहुत ज़्यादा सुस्त रहना और बहुत ज़्यादा शांत रहना इसी बीमारी का एक लक्षण माना जाता है। स्टेज 4 लंग कैंसर में काफ़ी ज़्यादा 5 साल, ज़्यादा ज़्यादा 5 साल तक जिंदगी को आसानी से गुजारा जा सकता है ये कहा जाता है, लेकिन उसमें भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ से आपको गुजरना पड़ेगा। ट्रीटमेंट डिफरेंट सिचुएशन के मुताबिक डिफरेंट होते हैं। उम्मीद की जा रही है कि लंग कैंसर से जूझ रहे संजय दत्त को इस बीमारी से राहत पाने में, ट्रीटमेंट में आसानी भी पाने में ज़्यादा डॉक्टर उनकी मदद कर पाए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।